बीरपुर जेल में 42 घंटे रखने के बाद जाप प्रमुख पप्पू यादव को इलाज के लिए दरभंगा के DMCH भेज दिया गया है। DMCH में उन्हें मेडिसिन वार्ड के ICU में भर्ती किया गया है। DMCH पहुंचने पर भर्ती होने से पहले उन्होंने मीडिया से बात की, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कहा जब कि हम निगेटिव थे, स्थिति ठीक नहीं थी, दो दिनों से हालात अच्छे नहीं थे। हम तो चाहेंगे नीतीश बाबू किसानों को अच्छा 12,000 रुपया को 6,000 रुपये डाले, लॉकडाउन लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे केस मेरा तो है ही नहीं, केस पहले ही पता नहीं, बिना केस का हम डेढ़ महीने से कोरोना पेशेंट को उठाते उठाते खुद ही थक गए। हम नीतीश जी से उम्मीद करेंगे, वो उनको मैं बहुत सम्मान करता हूँ, आप काम करने दें, मैं आपका सहयोग करूँगा। हर आदमी तक खाना दवाई ऑक्सीजन हम पहुँचा देंगे, आप हमारा सहयोग करिए, मारिए मत, बेटे की तरह सेवा करने दीजिए। वहीं पप्पू यादव को DMCH भेजे जाने के निर्णय के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया गया। इसमें कहा गया, अब मुझे DMCH दरभंगा भेजा जा रहा है जहां मौत ही मौत है। पटना गांधी मैदान थाने में 9 घंटे, फिर मधेपुरा ले जाने में 4 घंटे, फिर बीरपुर लाने में 2 घंटा, फिर बीरपुर जेल से बाहर 2 घंटा, फिर जेल में 2 दिन। सब जगह ले जाकर कोरोना संक्रमित करने का इरादा है क्या नीतीश जी? सेवा ही जुर्म है। ये ट्वीट पप्पू यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से किया है। वहीं पप्पू यादव को आज भी पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है। उनके मामले में जल्दी सुनवाई करने के अनुरोध को दोबारा खारिज कर दिया गया है। आज चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के सामने वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा द्वारा इस मामले को मेंशन किया गया। खंडपीठ ने कहा कि हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए आपात मामलों की पहचान हेतु जो मानदंड है उसमें यह केस नहीं आता है।